पिछले 20 सालों से बंद हुए छात्र संघ के चुनाव को लेकर आज जिला सचिवालय में हजारों की संख्या में छात्रों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि छात्र संघ का चुनाव हर वर्ष करवाया जाएगा, परंतु प्रदेश सरकार को बने हुए 3.5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक अपनी मंशा ही नहीं स्पष्ट कर पाई है। उनकी यह भी मांग है कि सरकार ने वादा किया था कि या तो रोजगार देंगे या 9,000 देंगे, परंतु सरकार अपने वादों पर अब तक खरी नहीं उतरी है। उनकी मांग है कि इन चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इसी उपलक्ष्य में आज इन्होंने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भेजा है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द प्रत्यक्ष तौर पर छात्र चुनाव करवाए। अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो वह प्रदेश भर में इकट्ठा होकर प्रोग्राम करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। आज हम उपायुक्त महोदय के नाम, राज्यपाल के नाम से उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए थे, तो जो अधिकारी हैं DDPO साहब ने ज्ञापन लिया है और हमारी ये मांग है कि भी हरियाणा सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था और एक वादा किया था कि रोजगार देंगे या 9,000 देंगे। कोई से वादे में अपने खरी नहीं उतर रही है। प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराया जाए, अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव ना कराया जाए, जैसे SCR बन जाते हैं सीधा प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव कराया जाए। तो हरियाणा NSCO की तरफ से मैं मांग करता हूँ कि भी जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की बहाली की, क्योंकि पिछले 20 सालों से 1996 से बंसीलाल की सरकार से ये चुनाव बंद है और हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। हम प्रदेश भर में प्रोग्राम करेंगे, BJP सरकार को बदनाम करने का कार्य करेंगे। यमुनानगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट, आज न्यूज़।